हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये कार वैक्यूम क्लीनर जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है अभी। तो भी आज ही इसकी डिलीवरी हुई थी और मैंने ये ऑर्डर कुछ 3-4 दिन परसों किया था लास्ट। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो है 749 रुपीज़। और इसकी जो ओरिजिनल प्राइसिंग उसमें डली हुई थी वो थी कुछ 1599 रुपीज़ की। तो चलिए अभी इस बॉक्स से इसको वैक्यूम क्लीनर को निकालते। तो मैंने इसकी सारी कटिंग वगैरह पहले ही कर ली थी, यहाँ से जो साइड से कटिंग होती है टेप की तो पहले ही कर ली थी। जैसे ही आप बॉक्स खोलेंगे गाइस वैसे ही आपको कार वैक्यूम क्लीनर की एक ब्रांडिंग मिल जाएगी और ये चाइनीज़ में कुछ लिखा है। तो चलिए ये तो ऐसे तो निकालना थोड़ा निकल आया। वैसे ऐसे मैंने इसको निकाल लिया। तो इससे अभी क्या करना है, इससे हमको रख देना है साइड में, क्योंकि रख देते हैं कभी काम आते हैं किसी ना किसी चीज़ में तो काम आती है ये जो कार्डबोर्ड होते हैं। तो इसको साइड में रख देते हैं। अभी गाइस ये है जो वैक्यूम क्लीनर मैंने मंगाया है, ठीक है। तो ये वैक्यूम क्लीनर यहाँ पे चाइनीज़ की ब्रांडिंग मिल जाती है। और यहाँ पे गाइस एक कार वैक्यूम क्लीनर चाइनीज़ में लिखा रहता है कार वैक्यूम क्लीनर। तो इसकी स्पेसिफिकेशन है गाइस बिग पावर्ड पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनिंग। हाँ, तो यहाँ पे एक कार की वो मिल जाती है, यहाँ पे नीचे मेड इन चाइना का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे वही कार वैक्यूम क्लीनर /01 लिख जाता है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे वो यहाँ पे थोड़ा अलग है। यस, तो ये रहा। मैं यहाँ पे जूम फोकस कर देता हूँ, आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। मार्केटेड बाय ऑन शॉपी एंटरप्राइज चाइना की एक बड़ी ब्रांड है, ब्रांड नेम ऑन शॉपी। तो MRP इसकी है 1599 इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्स, मैन्युफैक्चर्ड May 2020। और अभी चल रहा है July 2020, मतलब 2 मंथ्स ओल्ड है ये। और ये शिवा पाक रेस्टोरेंट सूरत से आई है और मैं करंटली रहता हूँ वडोदरा में, इसलिए थोड़ा जल्दी मिल गया मुझे। ये परसों ही मैंने ऑर्डर किया था और ये यहाँ पे इसकी ये मिल जाती है। वैसे चलिए अभी इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। मैंने अभी तक खाली उस वो जो बॉक्स पड़ा है वहाँ पे उसी को अनबॉक्स किया था, मतलब खोला था, उसकी सील खोली थी। इसको अभी तक मैंने नहीं खोला था। यहाँ पे भी इन लोगों को एक सील देनी चाहिए थी, यहाँ पे एक सील देनी चाहिए थी। इसको क्या, इसको तो कोई भी ऐसे करके खोल सकता है। ये खोल दिया, यहाँ पे एक टेप मारा होता तो पता चलता कि किसी ने नहीं खोला है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये ऑरेंज कलर का है। हाँ, तो मैं इसका कलर बता देता हूँ। इसमें 3 कलर ऑप्शन थे, एक ब्लू था, ब्लू नहीं था, एक रेड था, एक ऑरेंज था और एक ग्रीन था। तो ग्रीन तो बेकार ही लगता है, ऑरेंज मेरे को ठीक ठाक लगता है, पर रेड तो बिल्कुल नहीं बेकार लगता है। तो मैंने ऑर्डर किया है ये रेड ऑरेंज वाला। तो ये है, पहले बॉक्स खोलें कुछ नहीं। ये एक मैनुअल मिल जाती है तो मैं इसमें थोड़ा फोकस कर सकता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। तो इसे हम उस बॉक्स में डालते हुए, वो जो बॉक्स मिला है उसमें हम एक एक चीज़ डालते जाएंगे। ये डाल दिया क्योंकि सब कुछ काम की होती है। तो गाइस ये एक पाइप मिल जाता है। तो मेरी हाइट अभी 5'9" है फिलहाल, तो ये मेरे हैंड में पूरा आ जाता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसे भी ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक पाइप है, जो हम लोग AC में यूज़ करते हैं ना पाइप, गाइस जो इसमें होता है वैसे ही पाइप है, अच्छी क्वालिटी है। तो वैसे ये जो पाइप है इससे भी हम अभी इसमें डाल देते हैं, बाद में अच्छे से दिखाऊंगा। और लास्ट में गाइस मैं एक क्लिप डाल दूंगा, उसमें दिखाऊंगा इसको यूज़ करके गाड़ी में, ठीक है। तो ये एक और नोजल मिल जाता है, ये सबसे मेन होता है क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो इसी यही लेता है जो, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ही ये समझ लो गाइस, ये हमारा फ्लोर है और ये हमारा वो नोजल है, ठीक है ना। तो ये एकदम ऐसे परफेक्ट बैठ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे एयर अंदर लेते हैं और सारे जो पार्टिकल होते हैं एकदम क्लीन होता जाते हैं, ऐसा क्लीन होता जाता है, क्लीन होता जाता है आराम आराम से, ठीक है। तो इसे भी हम डाल लेते हैं, ये वन ऑफ द मेन पार्ट होता है। ओ शिट, ये मेरा फ़ोन जो है गाइस फोकस लॉस्ट करता रहता है। हाँ, तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। तो गाइस ये आता है, एक आता है फिर ये वाला नोजल, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पर इसमें ये है कि आप इसमें से बाहर दिखता रहता है, ये देखिए ये मेरी फिंगर दिख रही है। तो ये गाइस पता है क्या करता है, जैसे कि हमारा समझिए ये हमारा है गाड़ी का मैट, ठीक है गाइस, ये हमारा गाड़ी का मैट है। और जैसे समझिए कि मिट्टी थोड़ी गीली होती है तो यहाँ पे चिपक जाती है, तो ऐसे ही है इसे हम ऐसे नोजल में लगा थोड़ा टाइट करके, मतलब ऐसे करके करेंगे, ऐसे करना है और ये वैक्यूम खींचेगा अपनी तरफ, खींच लेगा और गीली मिट्टी भी वो हटा सकता है। और हाँ गाइस, मैं एक स्पेसिफिकेशन बताना भूल गया इसकी, ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये ड्राई और वेट दोनों में काम आता है, ठीक है। तो ये भी एक मेन नोजल है, इसको भी रख देते हैं। और क्या मिलता है, 2 कनेक्टर मिल जाते हैं, एक और कनेक्टर होगा, या 2 कनेक्टर मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने फ़ोटो में देखा था कि
दो कनेक्टर थे। मैं गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में देने लिंक ट्राई करूँगा, आपको मंगाना तो मंगा सकते हैं। तो ये है वो दो नोजल, इसका मैं लास्ट में आपको यूज़ दिखाऊंगा, एंड में यूज़ दिखाऊंगा कैसा करते हैं। तो इसे भी अपने डाल देना है इस बॉक्स के अंदर। फिर आता है हमारा मेन चीज़ वैक्यूम क्लीनर, और कुछ नहीं है इस बॉक्स में, तो इसे साइड में रख देते हैं। ये अच्छी मतलब एक पॉली बैग वाली इसमें आता है। तो गाइस जिनको जिनको ये पॉली बैग से फोड़ने पसंद है वो डू कमेंट डाउन, कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे भी ये फोड़ना बहुत पसंद है। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि आप, ये है हमारा वो वैक्यूम क्लीनर जो हमने मंगाया था, ये है वो वैक्यूम क्लीनर गाइस। ये वैक्यूम क्लीनर आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है ऑरेंज कलर कुछ अलग ही ग्लो कर रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे दो स्विच मिल जाते हैं, ऐसे ऑफ, ऐसे किया ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो यहाँ पे फिंगर ग्रिप दी हुई है, नीचे साइड तो कुछ नहीं है। यहाँ पे गाइस दो लॉक दिए हुए हैं, एक ये दो लॉक, ये प्लास्टिक है ये। आप सुन सकते हैं गाइस कि ये काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है, तो हम इसे ऐसे पुश करेंगे तो ये होता है, ये हमारा खुल जाएगा। तो इसे हम निकालते हैं, इसे मैं दिखा देता हूँ। इसमें ये है एक एयर कलेक्टर है, ये एक कलेक्टर है गाइस, और ये इसका जो फिल्टर होता है वो है ये। तो देखिए जैसे कि ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, तो ये ऐसे थोड़ा जो डस्ट होगी वो इसके अंदर आएगी पर वो इसमें फंस जाएगी, और इसे हम ऐसे ऐसे झाड़ेंगे तो वो ऐसे ही हो जाएगा। तो कैसे करना है, इसे हमने ऐसे रख दिया, फिर ऐसे इसको ऐसे लगा दिया, अच्छे से लगा देंगे तो गाइस ऐसे वो हो जाता है, ठीक है। तो ये बस ऐसे इसमें फिट हो जाता है, ऐसे इसको किया, ये फिट हो गया, ठीक है। ये भी अंदर से थोड़ा खुला हुआ है, ये नीचे वाला लॉक नहीं लगा, ये भी अच्छे से फिट हो गया, ये ऑफ ऑन। और आप इसकी ये देख सकते हैं कितनी बड़ी है ये जो है इसका, ये 3 to 4 meters है ये जो इसकी ये वायर्स है गाइस, ये 2 to 3 meters होगा। और ये देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है, ये यहाँ पे आपको स्टील का यूज़ मिलता है, ये पुशेबल है, ये यहाँ पे ऐसा मिलता है इसको, यहाँ पे इसकी जो वायर है गाइस ये अच्छी खासी वायर है, अच्छी वायर है। इसका प्लास्टिक जो है वो काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है। तो चलिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैं एक क्लिप डाल रहा हूँ नीचे, एंड में आपको एक क्लिप मिल जाएगी, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसमें इसी वीडियो में मैं बताऊँगा कि ये यूज़ कैसा करता है, यूज़ करके दिखाऊँगा अभी, ठीक है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी गाइस मैं आपको दिखा नहीं पाया इसे कैसे यूज़ करना है, पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको ज़रूर दिखाऊंगा इसे कैसे यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।